बहुत एक्साइटेड है, जिस तरीके की बस बनी हुई है और जिस तरीके से मीडिया को और सब दोस्तों को पसंद आ रही है, तो बहुत खुशी है कि इतने टाइम से जब बॉलीवुड की फिल्मों में थोड़ा सी मायूसी छाई हुई है, उसमें ये फिल्म एक पूरी मास एंटरटेनर की तरह लोगों को पसंद आ रही है, तो अभी बुकिंग भी काफ़ी अच्छी है, तो वो भी एक अच्छी साइन है, तो लोग बहुत एक्साइटेड है। सर अभी बताइए, वन तो देखे, वन काफ़ी अच्छी फिल्म थी, तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया, आपको लगता है सिर्फ लोगों का सिर्फ ये होगा कि ये फ्रेंचाइज है, सेम फ्रेंचाइज हमने वही उठाई है, अदरवाइज फिल्म एक्टर्स एवरीथिंग इज पूरी सब चीज़ें डिफरेंट है, पूरी कहानी नहीं है, वही सीक्वल नहीं है, इट इज़ अ फ्रेंचाइज विच इज़ गोइंग फॉरवर्ड, तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई कंपैरिजन आएगा। मसाला एंटरटेनर है, इसमें कॉमेडी है, इसमें हॉरर है, इसमें एक्टिंग है, इसमें गाने हैं और एक स्केल है, तो वो सब चीज़ें लोगों को आई थिंक पसंद आएंगी, वो आ रही हैं, तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। थैंक यू। Yeah.
एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है। और जिस तरीके का रिएक्शन अभी प्रेस मीडिया का रिस्पांस आ रहा है उनका, क्योंकि स्क्रीनिंग हुआ है, बहुत ही ओवरवेलमिंग है। एंड वी आल्सो वांट टू वॉच इट नाउ, तो बस ऊपर जाके देखने जाते हैं। कार्तिक, भूल भुलैया वन बहुत अच्छी फिल्म थी और लोगों ने काफी पसंद किया। जी, भूल भुलैया टू में आपको क्या एडिट रिस्पांसिबिलिटी होगी आप लोगों के ऊपर? एक पता चल जाएगा, हां पता चल जाएगा, रिपोर्ट कार्ड आ जाएगी, हम उसी का इंतजार करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या यूएसपी रहेगी इस फिल्म को लेके, क्यों पसंद आएगी ये फिल्म? अच्छी कहानी है, अच्छे किरदार है, और जिस तरीके का रिस्पांस अभी तक ट्रेलर को आया है, म्यूजिक देखो क्या बोल रहे तो ये जो रिस्पांस हर जगह आ रहा है उसमें अपने आप पता चल जाता है फिल्म का वाइब। आपको लगता है बॉलीवुड में एक तरह से अभी एक स्लैग वो चल रहा था कि इतनी हिट नहीं हो रही, क्या आपको लग रहा है कि भूल भुलैया 2? अच्छी फिल्में सारी चल रही हैं एंड भूल भुलैया 2 भी अच्छी फिल्म है, तो वो भी चलेगी। थैंक यू सो मच। अभी बाद में प्रेस की एक मिनट हो गया। कार्तिक भाई, अरे कोई है नहीं क्या बबलू भाई का बदला? इतना रे बाबा रुकना, अभी हो जाएगा, हो जाएगा। चारों जी रुकना पड़ेगा। कार्तिक भाई सोलो। हेलो कार्तिक भाई, फैमिली फोटो। कार्तिक भाई इधर आइए ना। नाम नहीं आ रहा। आता रहे बनना। हाँ बस, आ जाइए। हाँ कार्तिक भाई यहाँ पे। कार्तिक भाई चिल्ला रहे बाबा। लुकिया
मारना लोकर मारना फोटो जाइए कार्तिक भाई सोलो 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 कार्तिक भाई एक मिनट लगेगा 10 सेकंड लगेगा भाई आ जाओ मेरे लिए आ जाओ बस काफ़ी एक्साइटेड है यार। मुझे लगता है कि ये फिल्म का जैसे ही ट्रेलर आया आप पहले ट्रेलर से समझ जाते हो कि फिल्म चलने वाली है कि नहीं, और ये फिल्म ऐसी है जो मुझे लगता है सारी सब लोग देखना चाहते हैं। सर भूल भुलैया वन काफ़ी अच्छी फिल्म थी, जिसमें अक्षय कुमार विजय बालन जी थे और काफ़ी अच्छी, लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। आपको लगता है कि ये लोग कॉम्पिटिशन करेंगे? देखिए कंपटीशन की बात ही नहीं है, वो तो आप ये देखनी होगी फिल्म डेफिनेटली। मुझे लगता है सेकंड पहली वाली भी बहुत ही अच्छी थी और इसका जो ट्रेलर है वो बहुत ही अच्छा है, इसका वाइब बहुत अच्छा है, इसलिए सब लोग देखना जाना चाहते हैं। थैंक यू सर।
भूल भुलैया को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ और आज जो है ये दिन आ गया कि कल भूल भुलैया पूरे हर सिनेमा घर में होगी, तो खूब सबको एंजॉय करे और लाफ राइट एंटरटेनिंग फिल्म है, तो आई एम बस दुआ कर रहा हूँ। थैंक यू। पिक्चर देखी नहीं अब तक, क्या बोलूं? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। कार्तिक बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा और काफ़ी टाइम के बाद मैं उसकी एक थिएट्रिकल रिलीज देखने जा रही हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे पार्ट वन बहुत पसंद है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पार्ट टू। आई डोंट थिंक कंपेयर करेंगे, क्योंकि इतना टाइम हो गया ना पार्ट वन रिलीज हो गया, काफ़ी साल हो गया, आई थिंक ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गया। तो आप क्या देखने जा रही हैं कार्तिक का परफॉर्मेंस के अलावा और क्या देखने जा रही हैं? मतलब मुझे हॉरर कॉमेडी जॉनर बहुत पसंद है, सो मुझे आई एम एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म। यार मैं दो फिल्में कर रही हूँ, एक हिंदी में और एक तेलुगु में, मैं दोनों के बारे में अब तक बात नहीं कर सकती क्योंकि अनाउंसमेंट ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई नहीं है, लेकिन मैंने अभी सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ एक फिल्म कंप्लीट करी है युद्रा करके, एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ, तो दैट्स माय नेक्स्ट फिल्म। थैंक यू। सर जी क्या कहेंगे फिल्म को लेके, आप कितना एक्साइटेड हैं? बड़ा एक्साइटेड हूँ, लव द ट्रेलर और बहुत एक्साइटेड हूँ। किसकी परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे? कार्तिक और किया रहा। और राजपाल सर जो मेरे फेवरेट है, उनकी परफॉर्मेंस देखने थैंक यू।
देखने से पहले ही देखने तो दो पिक्चर। हाँ अरे मैंने पिक्चर नहीं देखी, क्या रिएक्शन दूँ? बधाई देना चाहती हूँ, इट्स अ वेरी अवेटेड फिल्म और आई थिंक बहुत मज़ेदार होगी। इट्स अ मच लुक फॉरवर्ड टू फ्रेंचाइज। आई विश द टीम ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द फिल्म। कॉम्पिटिशन की बात नहीं है, जब एक फ्रेंचाइज की फिल्म वापस आती है तो मतलब आप उसी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आई थिंक वही होगा। आई डोंट थिंक कॉम्पिटिशन की कोई बात है। जी आई होप जितना बड़ा बवाल मचा पाए उतनी मचाए, बिकॉज हाँ कोविड की वजह से हम थोड़ा तो सफ़र किया है हमने, एंड आई होप कि यू नो फिल्म लाइक दिस गेट पीपल बैक इन टू द थिएटर्स एंड तो मैं तो जा ही रही हूँ थिएटर में, आप लोग भी प्लीज़ जाइए। थैंक यू, थैंक यू। हेलो एवरीवन, सर फिल्म की बात की जाए भूलैया 2, सर कितना एक्साइटेड है फिल्म को देखने के लिए? जिस दिन मैंने ट्रेलर देखा था मैं कह सकता हूँ कि बहुत सरप्राइज था कि इस तरह की फिल्म, यू नो, क्योंकि पहली फिल्म मुझे बहुत पसंद आई थी और ये फिल्म उस पहली फिल्म से एक लेवल आगे है और बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेज होने वाली हैं इसमें। सब तरह का ड्रामा है, कॉमेडी है, मसाला है, बेस्ट एक्टिंग होने वाली है। सो मैं आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। सर जैसे आपने पहली फिल्म भूलैया बहुत अच्छी लगी जी, वो आज आज भी याद हो सकता है, आपको क्या लगता है कि वो फिल्म को और ये फिल्म को देख के लोग जो है थोड़े कॉम्पिटिटिव रहेंगे, मतलब उस फिल्म को, फिल्म की एक्टिंग को देखे या कार्तिक आर्यन की एक्टिंग को देखे, आपको लगता है लोग कंपेयर करेंगे
देखिए कंपैरिजन तो हर चीज़ का होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी होना भी चाहिए, लेकिन जब आप एक लेवल आगे आते हैं, जिस ट्रेलर आया था उसी वक्त लग रहा था कि ये उसका नेक्स्ट पार्ट टू है और ये एक स्टेप आगे होने वाली है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि कार्तिक आर्यन बहुत कमाल के एक्टर हैं, जैसे तब्बू जी हैं और कियारा है, सो इट्स गोना बी अ फैंटास्टिक फिल्म। बॉलीवुड में एक स्लैक पीरियड चल रहा है, मतलब कुछ फिल्में आ रही हैं जो इतनी हिट भी नहीं हो पा रही हैं थिएटर्स में, आपको क्या लगता है ये फिल्में वो चीज तोड़ पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें हमारी फिल्म में कश्मीर फाइल्स से एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं थी, लेकिन वो फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और मैं ये भी मानता हूँ कि मैं खुशकिस्मत मानता हूँ कि उस फिल्म से लोगों ने थिएटर में आना स्टार्ट किया। सो फिल्म अच्छी होती है तो हमेशा लोग आते हैं, और मुझे इस फिल्म से पूरी उम्मीद है क्योंकि ये भूषण जी ने इसको प्रोड्यूस किया है और इसमें कमाल की कास्ट है, डायरेक्टर हमारे कमाल के हैं, तो मुझे उम्मीद है ये फिल्म बहुत चलेगी। आने वाले टाइम में हम आपको देख सकते हैं कोई हॉरर कॉमेडी में? मैं या लव टू डू इट, बिकॉज मेरे ये पसंदीदा जॉनर है और मैं लव टू डू इट, और नेक्स्ट फिल्म मेरी बहुत जल्द आने वाली है, भूषण जी ने प्रोड्यूस की है फिल्म धोखा, वो एक सस्पेंस थ्रिलर है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा उसमें। यार थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय 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 बाय, फोटो नहीं मिला, बाय। यस वेरी एक्साइटेड एंड डरना भी है हंसना भी है एंड वॉज वेटिंग बिकॉज आई लव द एंटायर ट्रेलर एंड भूषण कुमार मेरे भाई हैं, पूरा खेतानी, अंजुम खेतानी, सुधीर फैमिली, तो वेरी एक्साइटेड वॉज द फिल्म, अभी जाएंगे शुरू होने वाली। सर कार्तिक आर्यन की परफॉर्मेंस को लेकर, कार्तिक आर्यन ने अभी तक जो है सीरियस फिल्म्स की है या कॉमेडी की है, बट हॉरर कॉमेडी में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो कितना एक्सपेक्टेशन है? कार्तिक इज अ ब्रिलियंट एक्टर, वो किसी भी चीज़ में ही जस्ट फिट्स परफेक्ट, एंड इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा, आई लाइक द सॉन्ग भूल भुलैया, प्रैक्टिस डन वेरी वेल, दैट्स इट। होता है हर चीज़ का बिजनेस अपडाउन होता है, वक्त इस वक्त हमारा थोड़ा इज नॉट विद अस, बट या आई होप एंड प्रे गुड बाय इज द ब्रेक। बहुत ज़्यादा कॉमेडी, गरम ट्रेलर, गरम रिपोर्ट्स, सुपर हिट।
बहुत अच्छी उम्मीद है, अभी देखने दो, पिक्चर देखते हैं। सर बॉलीवुड में स्लैक पीरियड चल रहा है, कुछ फिल्में आ रही हैं बट वो इतनी चल नहीं रही हैं, आपको लगता है दुनिया में स्लैक चल रहा है ना? अभी दो साल से दुनिया बंद थी, अब खुल रही है, इससे खुलेगी। चलो शुक्रिया। ट्रेलर देखा है, सीम्स लाइक अ फन फिल्म, द फर्स्ट फिल्म वाज लॉट ऑफ फन, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। बॉलीवुड में स्लैक पीरियड का चल रहा है, कोई बड़ी फिल्में आ रही हैं बट इतनी हिट नहीं हो पा रही हैं, तो आप क्या कहेंगे ये फिल्म क्या वो चीज़ तोड़ पाएगी, वो स्लैक पीरियड तोड़ पाएगी? आई होप सो। एक दौर आया था पहले भी कि जब सिर्फ साउथ इंडियन फिल्में चलती थी 1980s में, लेकिन उस दौर से निकल गई फिल्म इंडस्ट्री, वापस हिंदी फिल्में चलने लगी, तो शायद कोविड के बाद ऐसा दौर आता हुआ दिख रहा है कि जहाँ साउथ इंडियन फिल्में वापस चल रही है, बट आई जस्ट होप हिंदी फिल्म्स यू नो दे डू बेटर सून इनफ। इट्स टू डिफिकल्ट टू से राइट नाउ, बट आई एम एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म बिकॉज इट्स माई फ्रेंड्स फिल्म, सो आई होप इट्स गुड एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, भूल भुलैया वन इज़ आइकॉनिक एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू वॉच भूल भुलैया टू ऑल्सो बिकॉज कार्तिक्स इन इट एंड कियारा इज़ इन इट एंड तब्बू मैम इज़ इन इट एंड थिंक इट्स गोना बी अमेजिंग। बहुत एक्साइटेड हूँ। भूल भुलैया वन जैसे आपने कहा कि आइकॉनिक फिल्म थी, तो आपको लगता है कि लोग जो है काफी कंपेयर करेंगे इसको लेके और भूल भुलैया वन को लेके? पता नहीं, आई डोंट नो, आई एम एक्साइटेड टू वॉच दिस वन ऑल्सो एंड हाँ अभी देखते हैं, अभी मुझे लेट हो रहा है तो मैं मूवी देखने जाने वाली हूँ। Fingers crossed, I'm sure it will. Thank you. Thank you.
इतने सारे माइक रख दिए, साथ में खाना भी रख देते यार। यार अनीस भाई एक बहुत मज़ेदार फिल्म मेकर हैं, मैंने सिंग इज किंग की थी और बहुत मज़ा आया था अनीस भाई के साथ काम करके, तो और वो दोस्त भी हैं और कलाकार भी हैं बहुत अच्छे, तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो है कि एक फिल्म बनाई है बहुत दिनों बाद। मुबारक दिखी थी लास्ट, उसके बाद शायद ये है, तो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड। भूल भुलैया कंपेयर करने का तो वो तो है ही, वो तो आदत थोड़ी छूटती है, वो तो करने लगेंगे, बट हर एक फिल्म अपने आप में एक आइडेंटिटी होती है उसकी, और आई थिंक कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, आई डोंट थिंक सो, बट देखने के बाद ही पता चलेगा। नहीं देखिए, हम तो यही मतलब चाहते हैं कि फिल्में चलें थिएटर में। अब दो साल में जो बेसिकली कोविड की वजह से कई लोगों की आदतें बदल गई हैं, घर में बैठने की आदत पड़ गई है, टीवी देखने की आदत पड़ गई है, मोबाइल पे देख लो, तो आई थिंक स्लोली अब निकल रहे हैं लोग, और फिल्मों में ऑब्वियसली उतना दम होना चाहिए कि लोगों को खींच के लाए अपनी तरफ, तो मुझे तो लगता है ये थोड़ा है इंटरेस्टिंग फिल्म है होगी, एंड इंशाल्लाह इट शुड बी अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। थैंक यू। मैंने ये फिल्म कल देखी और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, एंड आई थिंक द ऑडियंस विल एंजॉय दिस। सर कार्तिक आर्यन अभी तक जो है सीबीएस फिल्म या कॉमेडी फिल्म में दिख रहे थे, सर ये एक हॉरर थोड़ी कॉमेडी फिल्म है, सर आपको क्या लग रहा है कितना ये इन्होंने कितना अच्छा काम किया है? बहुत अच्छा काम किया है ना, ऑडियंस विल बी सरप्राइज्ड टू सी टुमारो, प्लीज गो एंड वॉच इन द थिएटर। सर बॉलीवुड की फिल्मों की बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि एक स्लैक पीरियड चल रहा है कि बॉलीवुड की फिल्में जिस तरह से पहले हिट होती थी या सुपर हिट होती थी, कल हिट हो गई।
Yeah.